लखनऊ में आज तीसरे दिन अकबर नगर में साफ तौर से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो ये पूरा एरिया जहां पर कल तक आपको बहुत सारे मकान दिख रहे थे, आज तीसरे दिन इन मकानों को ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। बुलडोजर लगातार तकरीबन आधा दर्जन बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और वो ये बुलडोजर इन सभी मकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। चूँकि ये जो एरिया है ये अकबर नगर का एरिया है और साफ तौर से प्रशासन का मानना है कि यहाँ पर ये इलीगल तरीके से घर बना लिए गए थे और इसके साथ साथ ये कोकरैल नदी और बंधे के बीच का जो रास्ता है जहाँ पर ये मकान स्थित है उन सभी को ध्वस्त किया जा रहा है। आपको बताएं कि यहाँ पर एंटी स्मोक जो गन है वो नगर निगम की तरफ से लगाई गई है, जिससे कि जो ध्वस्तीकरण के दौरान जो धूल उठ रही है, जो धुआं उठ रहा है, उसको कम करने के लिए इस तरीके की तकरीबन आधा दर्जन एंटी स्मोक वाटर वाली लगाई गई है, जिससे कि धुएं को कम किया जा सके। ये लगातार कार्रवाई चल रही है पिछले तीन दिनों से और ये तीसरा दिन है जब ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। कल तक जो हाल यहाँ पर था, यहाँ पर कई मकान ऐसे मौजूद दिख रहे थे, लेकिन आज यहाँ दूर दूर तक जिस तरीके से ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, आने वाले समय में माना जा रहा है तकरीबन 1000 ऐसे मकान हैं जिनको ध्वस्तीकरण किया जाना है। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ये अकबर नगर का एरिया है और इसका एक देखिए इस तरीके से गेट भी लोगों ने निर्माण कर लिया था जो भी अवैध है, और ऐसे में लगातार ट्रक और पुलिस प्रशासन की मदद से इन सभी मलबे को यहाँ से हटाया जा रहा है और यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। चूँकि यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे उनको प्रधानमंत्री आवास है वहाँ पर दिया गया है और वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ पर कोकरैल नदी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उसकी वजह से इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। साफ तौर से ये जो कार्रवाई है ये तकरीबन 1000 मकानों के ऊपर है और साफ तौर से इसमें जो कमर्शियल कई दुकानें थी जो सड़क पर मौजूद थी उनको भी ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। आज तीसरे दिन भी कार्रवाई की जा रही है अकबर नगर में और लगातार ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। हमारे साथ नगर आयुक्त मौजूद है इंद्रजीत जी। सर, किस तरीके की ये कार्रवाई पूरी चल रही है और अभी कितना समय लगेगा और ये किस तरीके के मकान थे जिन पे आप लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई की? नहीं, ऐसा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के जब जो ऑर्डर हुआ है मंथ पहले उसके बाद ये कार्रवाई इनिशिएट की गई है और लीगल बैटल जो लीगल प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद इसमें जो NGT का भी हमारा केस चल रहा है, गोमती का जो पानी उसमें जो चल रहा है उसका भी एक इसका रेफरेंस है। इसके बाद सारे जितने भी यहाँ लोग रह रहे थे उनको घर दिए गए हैं, 1800 से ऊपर घर दिए जा चुके हैं। लास्ट तीन दिन से जो लोग बचे थे उनको भी घर दिए गए। उसके बाद इस साइड में जो है 365 लोगों को शिफ्ट किया गया है, उनके घरों तक पहुँचाया गया है, उनको हैंड ओवर किए गए घर और घरों में जो जो भी उन्होंने कहा है उसको हमने पूर्ण किया है। गाड़ियाँ नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा प्रोवाइड की है ताकि शिफ्टिंग अच्छे से हो सके। जब ये पूरा खाली हो गया तब डेमोलिशन स्टार्ट की गई और इसके बाद जो है इसको पूरा क्लियर किया जाएगा और इसको जो है नदी के फॉर्म में फिर दोबारा एस्टेब्लिश किया। अभी इसमें कितने मकान लगभग होंगे जिनको ध्वस्तीकरण किया जाना है और कितना समय आप लोगों को लगेगा इस पूरे जो एरिया है उसको साफ करने में? कम जो अभी ये 365 हाउसेज है जो क्लियर कर रहे हैं हम लोग और जो कम से कम 15 दिन और लगेंगे पूरा क्लियर करने में, और इसमें हर तरह का प्रिकॉशन लिया जा रहा है ताकि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी किसी तरह की इंजरी ना हो, क्योंकि बहुत आपने देखा मलबा है, आयरन है, कई चीज़ें इसमें हैं और पूरा जो मेडिकल हॉस्पिटल भी यहीं पे है, एम्बुलेंसेज है, पूरा SDRF सब तरह का बैकअप हमने यहाँ पे रखा हुआ है। क्या नदी का भी जीर्णोद्धार किया जाना है, जो कोकरैल नदी है उसको लेकर भी ये तैयारी है? और दूसरा एक आरोप लगा रहे थे यहाँ के लोग कि उनको जो शिफ्टिंग नहीं किया जा सके उनकी दुकानों को भी ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने जो है प्रॉपर गाड़ियाँ देके प्रॉपर घरों पर शिफ्ट किया गया है और पूरा का पूरा जो है ऑन वीडियो रिकॉर्ड करके हर चीज़ को किया गया है। ड्रोन फोटोग्राफी कराई गई है, वीडियोग्राफी कराई गई है और हर तरह की चीज़ों को हमने प्रिजर्व किया है। और इसके बाद जो है जो आपने कहा रिवर का, जो रिवर ओरिजिनल फॉर्म में वही किया जाएगा, कम से कम यहाँ से लेकर टोटल रिवर का लेंथ है उसमें कम से कम जो है 1 करोड़ के तक ये पौधे ही लग जाएंगे और नए, और जो उसके ओरिजिनल वेल थे, सोर्सेज थे, सबको रिजुबिनेट किया जा रहा है। जितना सीवर इसमें गिर रहा था उसको टैप किया गया है, इधर का भी सारा सीवर इसमें जा रहा था वो टैप करके STP में लिया जा रहा है ताकि रिवर जो है ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर हो सके, हम गोमती को भी रिस्टोर कर पाए। कितना मैन पावर लगा है आप लोगों, कितनी मशीन्स लगी हैं, कितने JCBs लगी हैं? टोटल अगर पुलिस और नगर निगम LDA को मिला ले 1000 तक के करीब मैन पावर यहाँ आज डिप्लॉयड है और जो मशीन्स हैं अभी तक 16 मशीन्स काम कर रही है, 3 अभी ख़राब है और इसके अलावा हमने जो बड़े टैंकर ये सब चीज़ें लगा रखी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो नगर आयुक्त लखनऊ के साफ तौर से मानना है कि 16 JCB से ये
जो है इलीगल मकानों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है और साफ तौर से तकरीबन 1000 से ऊपर कर्मचारियों को इसके लिए लगाया गया है। आज तीसरा दिन है, इसमें पूरी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।